हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक कल्याणी पब्लिकेशन की फॉलो कर रही हूँ। जैन एंड नारंग उसके ऑथर हैं। तो हमने लेसन शुरू किया हुआ है पार्टनरशिप, जिसकी हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, जर्नल एंट्रीज और एक दो सम्स किए हमने। तो नेक्स्ट मैं आगे इसी तरह की प्रॉब्लम्स करने जा रही हूँ। थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन हम कर चुके हैं। बाकी कोई नया टॉपिक आएगा तो उसकी थ्योरी साथ साथ करेंगे, और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स की प्रैक्टिकल्स आने के चांसेस होते हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल्स करने हैं। जितने प्रैक्टिकल्स मैं करवाऊँगी वो तो करने ही करने हैं, जो रह के वो भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है जी। तो मैं 8th चैप्टर क्वेश्चन जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है कि ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 रेशो, दे एग्रीड द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो हमें उसी तरह से बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स दी हैं, लाइबिलिटीज दी हुई है पार्टनरशिप फर्म की। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये कैपिटल्स में जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे, और जो मिसेस ए लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, और ये दो तरह के फंड है, इनको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एज लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लाइफ पॉलिसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। अब जो हमें मशीन दी हुई है, स्टॉक दी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी है, डेटर्स दिए हैं, ठीक है, ये एसेट्स हो गए, इनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है जी। अब अगर हमें डेटर्स का प्रोविजन दिया हुआ है 600 रुपीज़ का, ये हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। पॉइंट क्लियर है। और करंट अकाउंट ऑफ सी, सी का मतलब डेबिट बैलेंस है, इट मीन सी ने पैसे देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है, टू करंट अकाउंट करके, ठीक है। इसके अलावा हमें कैश एट बैंक दी है, वो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे, सिंपल। तो पहले जो भी बैलेंस शीट्स में आइटम दिए हैं, पहले मैंने उनको सब मतलब नोट डाउन किया है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमें ट्रांजेक्शन्स वो बताई जाएंगी क्वेश्चन में, हम वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या कहा गया, फर्स्ट हमें कहा गया है लाइफ पॉलिसी सरेंडर फॉर 12,000। सरेंडर होगी मतलब कैश रिलाइज हो गया, लाइफ पॉलिसी पे हमें कैश रिलाइज हो गया, कितना रिलाइज हुआ है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 12,000, ठीक है जी। देन हमें कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए, ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, तो क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल, ठीक है। कितने की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, 17,500, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि ए एग्री टू डिस्चार्ज वाइफ्स लोन, ए कहता कि मैं वाइफ का लोन पे करूंगा, एंड बी टेकन ओवर द स्टॉक 7,000, ठीक है। दो पॉइंट्स करें, ए कहता कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, तो ए की जो वाइफ का लोन है वो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितने का, 10,000। बी कहता मैं स्टॉक टेक ओवर करूंगा, बाय बीज कैपिटल, स्टॉक उसने टेक ओवर किया बी ने, कितने का, 7,000 का। इसके अलावा बी क्या कह रहा है, इसके अलावा वो कह रहा है कि डेटर्स जो हैं अमाउंटिंग रुपीज 5,000 एट 4,000, जो 5,000 के डेटर्स थे 4,000 में उसने टेक ओवर किए, उसने डेटर्स टेक ओवर किए, जो 5,000 के डेटर्स थे 4,000 में टेक ओवर किए। मशीन इज सोल्ड फॉर 55,000, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। दो पॉइंट्स है,
मशीन कितने की सेल हुई? मशीनरी सेल हुई है 55,000। ठीक है, हमारे पास टोटल डेटर्स थे 9,300 के। टोटल डेटर्स कितने के थे? 9,300 के। 5,000 के तो ये ले गया, 5,000 वाले कौन ले गया? बी ले गया। तो कितने बच गए? 4,300 के। 9,300 में से 5,000 लेस कर दिया तो डेटर्स कितने के बच गए? 4,300 के। अब जो 4,300 के डेटर्स थे उसका 50% ही रिलाइज हुआ। ठीक है, इसका 50% आ गया 2,150। पॉइंट समझ के वो कह रहा है, ठीक है ना, यही इसमें खास बात थी और कुछ नहीं है। द रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 5,000 के पहले वो 4 में ले गया, जो बाकी बच के उसका 50% मिला। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 है। इट इज़ फाउंड इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड। हमने किया था ना कि अगर कोई एसेट नहीं रिकॉर्ड हुआ बट वो रिलाइज हुआ है तो बाय बैंक आएगा। बट दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर। अगर कोई एक क्रेडिटर वो ले गया, ना तो वो डेबिट साइड आएगा और ना ही क्रेडिट साइड आएगा। हमने पहले एक्सपेंसेस लिखने हैं 600 एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे बैंक है ना, तो टू बैंक लिखोगे 600। ठीक है, हमने 600 एक्सपेंसेस लिख दिए। अब जो इन्वेस्टमेंट 3,000 की है, जो क्रेडिटर ले गया, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि 3,000 जो इधर माइनस हुआ वो भी नहीं लेना, ना डेबिट साइड लेना ना क्रेडिट साइड लेना है। पर हमने जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं उनको तो पे करना है ना। हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स थे 18,500। 3,000 वाले एसेट ले गए तो यहाँ रह गया 15,500। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को प्लस माइनस करना है तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। इस बार हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट्स में, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल में। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? ठीक है, प्लस माइनस करके ये आ रहा है 28,470। तो इसको किस रेशो में डिवाइड करना है? रेशो हमने शुरू में की थी, दैट इज 3:2:1, 3:5:6, 3:6, 2:6, 1:6। किसका? 28,470 का। तो इसका शेयर आ गया 14,235, 9,490, 4,745। पॉइंट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने ये हल्की स्टिक लगा रखी है तो इसके बाद की ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना है। एज कैपिटल 10,000 बाय रियलाइजेशन 10,000, बैंक 600, बैंक 15,500 बाय रियलाइजेशन 600। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 15,500। फिर हमें प्रॉफिट दिया है तो कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, हाँ जी, 14,235, 9,490, 4,745। हाँ जी, इधर आ गया बैंक, बैंक आ गया तो बैंक में ये तीनों आइटम्स डेबिट होंगी टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो पहले आ गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी 12,000, देन आ गई मशीन कितने की 55,000, देन आ गए डेटर्स, ठीक है जी, कितने के 2,150। इसके बाद हमें जो दिया है वो फिर एज कैपिटल बीज कैपिटल। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल आ गई 17,500, बीज कैपिटल आ गई 7,000 एंड 4,000। पॉइंट क्लियर?
ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसका कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस लेते हैं, फिर वो बैलेंस कहाँ डालते हैं, बैंक अकाउंट में, ठीक है। हाँ जी, मैंने इसकी बैलेंसिंग कर ली, तो बी ए के अकाउंट में आ रहा है 46,735 और बी का आ रहा है 18,490, सी का इधर बैलेंस आ रहा है आपका, ठीक है। तो बाय बैंक आ गया 6,755, तो ये जो बैंक आया 6,755, इसको हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे और बैंक का बैलेंस इक्वल आएगा। इक्वल आएगा मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स वाई जेड थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1:1, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। तो उनकी कैपिटल दी है, यहाँ पे एसेट्स दिए हैं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी और जो एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड। वाई और जेड की कैपिटल कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, लोन दिए क्रेडिटर्स दिए रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, स्टॉक दिए डेबिट साइड, डेटर्स डेबिट साइड, प्रोविजन जो है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएगा, इसको माइनस करके नहीं लिखना। कैश जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमने सारी आइटम्स को लिख लिया। अब एक्स क्या कह रहा है, एक्स एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹2400। एक्स कहता मैं फर्नीचर 2400 का ले लूँगा और कहता है जो डेटर 60,000 के है वो मैं 51,600 में टेक ओवर करूँगा, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स है उनको मैं बुक वैल्यू पे टेक ओवर करूँगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स के अकाउंट में एक तो ये जाएगा फर्नीचर, एक डेटर्स और तीसरा क्रेडिटर्स। जो डेटर्स हैं वो उसने सारे नहीं लिए, 60,000 के क्रेडिटर्स एट 51,600, ठीक है। तो ये मैंने एसेट्स लिख दिए, लाइबिलिटीज लिख दी हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है और देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स है, ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे कि जो एक्स ने टेक ओवर किया, एक्स पहले तो लेके जा रहा है बाय एक्स इज कैपिटल। एक्स कहता कि मैं फर्नीचर टेक ओवर करूँगा ₹4,2400। फिर वो एक्स कह रहा है कि जो मैं डेटर्स हैं वो टेक ओवर करूँगा। डेटर्स उसने कितने के टेक ओवर किए, 60,000 के डेटर्स उसने 51,600 के टेक ओवर किए। और वो कह रहा है, एक्स कह रहा है कि मैं जो है क्रेडिटर्स भी पे करूँगा। अब वो क्रेडिटर्स कितने के पे करेगा, 18,000 के, ठीक है ना, है ही 18,000 के, तो वो सारे के सारे पे करने को तैयार है। अब आई वाई, वाई की बारी, तो वाई क्या कह रहा है, वाइज कैपिटल, वाई कह रहा है कि मैं स्टॉक 21,000 का लूँगा और जो मशीनरी है अब पार्ट ऑफ मशीन एट 21,000, कि मैं 21,600 की मशीन लूँगा, बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%, जो कि बुक वैल्यू का 10% लेस होगा। अब उसने हमें ये नहीं बताया कितने की मशीन वो 21,600 में लेगा, उसने ये कहा है कि जो भी वो मशीन लेगा यानी 100 वाली मशीन वो 90 में ले रहा है। तो टेक ओवर उसने 90 रुपीज़ में किया, यानी कि उसने टेक ओवर 21,600 में किया। वी आर टू फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, ठीक है। तो स्टॉक उसने टेक ओवर किया 21,000, पहले तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख दें 21,000। फिर उसने मशीन टेक ओवर किया बाय वाइज कैपिटल मशीनरी, जो उसने मशीनरी टेक ओवर की है 21,600, ठीक है। अब इसकी बुक वैल्यू निकालनी है, ये उसने कितने की ली है, 90 की। अगर उसकी वैल्यू 90 है तो वो 21,600 की है, अगर उसकी बुक वैल्यू 100 है तो वो कितने की होगी, ठीक है। तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 24,000, पॉइंट क्लियर। तो 24,000 की मशीन उसने 21,600 में ली है। हमें ये बताया गया कि उसकी टेक ओवर वैल्यू 21,600 है, तो हमने क्या किया, उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो पार्टनर्स तीन है, अब जेड आया,
जेड क्या कह रहा है, जेड कह रहा है कि जो बाकी की मशीन है मैं टेक ओवर करूंगा, बट कितने पे, 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 300 एज अलाउंस, भी जितनी की मशीन रह गई है उसका 90% करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से 300 और लेस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि मैं लोन खुद पे करूंगा। अब जो लोन पे करेगा विद इंटरेस्ट करेगा, मीन्स 90 रुपीज वो लोन के ज़्यादा पे करेगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, मशीन, मशीन कितने की टेक ओवर करेगा, बाय जेड्स कैपिटल, ठीक है। उसने मशीन टेक ओवर की है, मशीन थी कितने की, 51,000। अब कितने की रह गई, 51,000, ठीक है। इसके हम वर्किंग नोट्स ही कर लेते हैं। मशीन मैंने अभी बताया आपको कितने की है, 51,000। अब जो मतलब एक्स ने टेक ओवर की है, ठीक है, सॉरी वाई ने मशीन टेक ओवर की है, वाई ने मशीन टेक ओवर की 21,600, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 24,000। अब जो रिमेनिंग मशीन है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 27,000। अब जेड क्या कह रहा है, जेड कह रहा है कि जितने की मशीन होगी मैं उसको 90% पे टेक ओवर करूँगा, इट मींस कि 27,000 का 90% वो तैयार है पे करने को, तो ये आ गया 24,300। अब उसमें ये भी कहा गया है कि फर्दर 300 रुपीज लेस होंगे एज अ अलाउंस, ये कहा गया है स्टेटमेंट में, यानी वो 27,000 वाली मशीनरी कितने की टेक ओवर करेगा, 24,000 की। पॉइंट क्लियर। तो 24,000 हम क्या करेंगे, मशीन जेड के अकाउंट में डाल देंगे। जैसा हमने कैलकुलेट किया तो हम जेड के अकाउंट में मशीन कितने की, 24,000 की। ही एग्रीड टू पे द लोन, जेड कहता कि मैं जो है लोन भी पे कर दूंगा 4,500 का, कहता मैं 90 रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, 4,590, ठीक है जी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है डेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 810, इट्स ओके। द रिमेनिंग डेटर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी 50% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है, तो बहुत कम मिला, चलो कोई बात नहीं। टू बैंक, पहले हम बात करते हैं जो डेजोल्यूशन के एक्सपेंसेस है 810। अब जो डेटर्स थे टोटल 72,600 के थे, जिसमें से 60,000 के जो डेटर्स हैं वो एक्स जो है उसने टेक ओवर कर लिए। ये चीज़ नहीं देखनी आपने, ये तो उसकी टेकिंग ओवर वैल्यू है, ठीक है। बुक वैल्यू देखनी, बुक वैल्यू इतनी थी, इतने के वो डेटर्स कलेक्ट कर चुका है, ले चुका है। तो अब जो बाकी बचे हैं कितने हैं, 12,600। जो 12,600 हैं वो हमने किसी एजेंसी से कहा तो उसने हमें क्या किया, 50% कलेक्ट करके दिए, सिर्फ 50% इसका, तो वो कितना आ गया, 6,300। सिंपल मींस क्वेश्चन वही है जो हमने फर्स्ट और सेकंड किया था, इसमें ये जो कलेक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, पर जैसे जैसे लिखा मैंने बिल्कुल वैसा किया, कुछ भी नया नहीं किया। आपने स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार समझ के फिर उसको करना है तो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लोन भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गए, इसको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो इधर हमने मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, चारों एसेट्स कवर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस कितने का, 20,400, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड करना है, पार्टनर्स है हमारे एक्स वाई और जेड। रेशो मैंने आपको बताई थी कि एक्स वाई जेड 3:1:1 की रेशो है, 3:1:1 का मतलब 3/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो ये आ गया डिवाइड करके 4,080, 4,080, और ये आ गया हमारा 12,240,
ठीक है जी, तो तीनों में हमने लॉसेस को डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि ये जो टिक के बाद की आइटम्स हैं इनकी हमने डबल ट्रीटमेंट करनी है। पहले क्रेडिट साइड की करें तो क्रेडिट साइड में पहले आ गया एक्सिस कैपिटल, ठीक है। तो एक्सिस कैपिटल में दो आइटम्स आएंगे 2451,600 टू एक्स टू रियलाइजेशन, ठीक है जी, टू रियलाइजेशन 2451,600। अब आ गया वाइज कैपिटल, इसमें भी दो आइटम्स है 21,600। अब आ गया जी जेड, जेड के अकाउंट में सिर्फ 24,000। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमें बैंक दी है 6,300, बैंक दी है तो इस साइड आएगा टू रियलाइजेशन 6,300। नेक्स्ट हमें दी है लॉस, लॉस हम क्या करेंगे तीनों में डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन की जो क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं हम लोग क्या कर रहे हैं डेबिट साइड में डाल रहे हैं 4,080, 4,080, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई एक्स कैपिटल, तो बाय रियलाइजेशन एक्स ने कहा था ना कि मैं क्रेडिटर्स पे करूँगा, बाय वाइज कैपिटल जेड ने कहा था कि मैं लोन पे कर दूँगा, ठीक है। एक हमने खुद एक्सपेंसेस पे किए तो वो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन बैंक में, खत्म, ठीक है जी। तो सारी आइटम्स जो ऊपर दी थी हमने जहाँ जहाँ भी लिखा था, एक्स कैपिटल है तो कैपिटल में, बैंक है तो बैंक में, ठीक है। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगी और फिर इसमें डालूँगी। हाँ जी, जब हमने बैलेंसिंग की तो इसका बैलेंस डेबिट आ गया, तो ये हमने यहाँ क्रेडिट साइड डाल दिया और इनका बाय कैश आया है, बाय कैश 16, ठीक है, 2,490, ठीक है जी। अब हमने इसका बैलेंस किया तो बोथ साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, नेक्स्ट सम मैं कर रही हूँ 10th सम, जिसमें हमें दिए 4 पार्टनर्स, अमन, भुवन, चमन, द्रोण, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए 2:3:3:2, ठीक है। ये हमें बैलेंस शीट दी है, ये क्रेडिटर्स हैं। और भुवंस लोन दिए है, भुवंस लोन तो जैसे हमने जर्नल में किया था लोन टू कैश आ जाएगा, तो ये सीधा बैंक अकाउंट में, ये रियलाइजेशन में, और ये तीन चारों का बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एसेट्स आ जाएंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड, कैश का बैलेंस कैश में आएगा, ड्राइंग्स फर्स्ट टाइम आई है, ड्राइंग्स जो हैं जैसे कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट्स में, तो ड्राइंग्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। अमन और चमन की दोनों की डेबिट साइड आएंगी, और जो लॉसेस हमें दिए 1,50,000, ये जो लॉसेस हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स में शेयर करेंगे। लॉसेस हैं तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आएगी, प्रॉफिट हैं तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएंगे, जनरल रिजर्व दिया है तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। चलो लॉसेस हैं तो कहाँ पे आएंगे, मैंने क्या किया देखो, एसेट्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद कैश का बैलेंस लिया, भुवन का लोन मैंने सीधा कैश अकाउंट में डाल दिया। देन ये हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया, ये तो हमें पता ही है। नई चीज़ क्या है, ड्राइंग्स, इस बार ड्राइंग्स आई हैं तो जिसकी ड्राइंग्स हैं उसके अकाउंट को मैंने डेबिट किया। इसी तरह लॉसेस हैं, लॉसेस को मैंने रेशो में डिवाइड कर दिया, रेशो क्या है 2:3:3:2 रेशो में। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक मैंने बैलेंस शीट के आइटम्स को डील किया। अब हमें बैलेंस शीट में एक तो ये दी प्राइवेट एस्टेट प्राइवेट लाइबिलिटी, ये बिल्कुल एंड में हमने देखना है कि पार्टनर्स कुछ लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते, ये उसमें काम करेगा, अदरवाइज रियलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो रियलाइजेशन में हमने ये देखना है कि एसेट्स कितने के रियलाइज हुए और हमने एक्सपेंस कितना पे किया। एसेट्स हुए रियलाइज 2,70,000 के और एक्सपेंस आया 10,000, ठीक है जी। एसेट रिलाइज्ड हुए तो क्या लिखेंगे हम, बाय कैश, ठीक है, दैट इज 2,70,000। रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया, कितना पे किया 10,000,
इसके अलावा क्रेडिटर्स को पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, 2 लाख रुपीस। यहाँ तक ओके है, ठीक है। तो हमने डेबिट साइड जो थी वो आइटम्स डाल दी, क्रेडिट साइड है वो आइटम्स डाल दी। अब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ये 470 है, ये 520 है, सो देयर इज अ लॉस, ठीक है। लॉस कितने की आ गई, 50,000। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस में, अमन्स कैपिटल, भुवन्स कैपिटल, ठीक है, चमन्स कैपिटल, देन ड्रॉन्स कैपिटल, ठीक है। 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 5 5 2 10, 15 15 10, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। 5,20,000 टोटल आ गया, 5,20,000 टोटल आ गया, ठीक है जी। ये हमें जो कैश दिया है हम लोग इस अकाउंट में डाल देंगे बाय रियलाइजेशन करके, ठीक है। एक तो आ गए एक्सपेंसेस ₹10,000, दूसरा आ गया जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, कितना पे किया, 2 लाख रुपीस, ठीक है जी। इसी तरह इस साइड बाय कैश लिखा है तो वो आ जाएगा 2 रियलाइजेशन, अमाउंट आ गई 2,70,000, पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद हमें लॉस दी हुई है तो लॉस हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 2 रियलाइजेशन करके, तो ये आ गया 10,000 15,000 15,000 10,000, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, फिर कैश में डालना है बस, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो 90,000 हमने इसको देना है, ठीक है, वी आर टू पे बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस है, 50,000 उसका डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, फर्म क्या करेगी, इसको 40,000 रुपीज़ पे करेगी, ओके। ये बन गया हमारा 60,000, ये 60,000 है। अब इससे हमने कुछ, ठीक है ना, रिसीव तो करना ही नहीं है, नहीं रिसीव करना तो इसका बैलेंस क्या आ गया, नील, ना हमने कुछ रिसीव करना है ना पे करना। अब इसका बैलेंस आ गया 60,000 80,000, यहाँ पे है 60,000, तो हमने इससे क्या करना है, 20,000 रुपीज़ मंगवाने हैं। जब हमने इससे 20,000 रुपीज़ मंगवाने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो 20,000 रुपीज़ पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहाँ से पता चलेगा, वो उसकी प्राइवेट एस्टेट से पता चलेगा, उसकी प्राइवेट एस्टेट 50,000, उसकी लाइबिलिटीज़ है 30,000, उसके पास 20,000 सरप्लस है, ही कैन पे ₹20,000, यहाँ पे काम आना है। अगर यहाँ 40 होता इट मीन्स कि ही कैन ब्रिंग ओनली 10,000 रुपीज़, तो 20 वो नहीं ला सकता, फिर हमने यहाँ पे बाय कैश 10,000 करना था। अब हमें पता है कि उसके पास 20,000 है, ही कैन ब्रिंग ₹20,000, पॉइंट क्लियर। अब इसने हमें 40,000 डेबिट बैलेंस है, 40,000 क्रेडिट बैलेंस है, ना हमने कुछ रिसीव करना है ना ही हमने इसको कुछ पे करना, पॉइंट क्लियर। तो ये हमारा जो भी बैलेंसिंग थी हमने कर ली। अब 20,000 आ गया चमन का, यहाँ पे लिखेंगे 2 चमन्स कैपिटल, ठीक है जी। मैंने वो कंसेप्ट भी आपको करवा दिया कि प्राइवेट एस्टेट का पर्पस क्या है, क्यों बनाई गई है। एक अमन जो है, अमन को हमने 40,000 पे करना है, पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हमने कैश का बैलेंस देखना है, ठीक है, क्या वो इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया 3 लाख रुपीस, ठीक है, 2 लाख 10,000 60,000 3 लाख, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो इसी तरह के मैं तो 10th तक क्वेश्चन करवाए हैं, तो 10th में मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी 5 आप लोग को नहीं करने हैं, नेक्स्ट आपने ट्राई करने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम एक नया पॉइंट करेंगे 15-16 क्वेश्चंस का। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।